हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज रसोई। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आंवला का खट्टा मीठा अचार। यह इंस्टेंट अचार है जिसे मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है। यह बहुत टेस्टी बनता है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठा के साथ खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। आंवला का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम आंवला। अचार बनाने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का आंवला यूज़ करना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं हो, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। इसे मैंने धोकर साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ कर सुखा लिया है। 1/3 कप गुड़, 3 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 हरी मिर्च, 2 चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी, 1.5 चम्मच सौंफ, 2 चुटकी हींग, आधा कप सरसों का तेल और आधा कप विनेगर। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी उबालेंगे। पानी उबल गया है, अब हम इसमें आंवले को डाल देंगे। अब इसे ढक करके 8 से 10 मिनट तक उबलने देंगे। देखिए आंवला अच्छे से उबल गया है। यह देखिए इसकी फांके भी अलग हो रही है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। छान कर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आंवला ठंडा हो गया है, अब हम इसकी फांके निकाल लेंगे। यह देखिए इसे निकालना बहुत ही आसान है। एक एक फांक को अलग अलग कर लेंगे। इसी तरह हम सारे आंवले में से फांके अलग कर लेंगे और गुठलियां निकाल देंगे। यह देखिए एक जार लेंगे, उसमें अदरक डालेंगे। अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च डालेंगे, 1 से 2 चम्मच पानी, और इसका पेस्ट बना लेंगे। अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। एक कढ़ाई में 1/2 कप सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी थोड़ा चटक जाए तब इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ भी चटक जाए तब इसमें डालेंगे अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। और इसे भून लेंगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, कलौंजी और नमक। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाला मिला लिया है, अब इसमें डालेंगे उबला हुआ आंवला। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। आंवला मसाले में अच्छे से मिल गया है, अब हम इसमें डालेंगे सिरका। आप चाहें तो सिरका के जगह लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, यह प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और गुड़, अब इसे गुड़ के पिघलने तक पकाएंगे। गुड़ और मसाला अच्छे से आंवला में मिल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी भी कांच के बर्तन में निकाल लेंगे। आंवला का खट्टा मीठा इंस्टेंट अचार तैयार है। आप इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं तब भी इसे 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।